वेलकम फ्रेंड्स। 18 माह पक आए डेयरी और रिक्रूटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने को लेकर बड़ी जबरदस्त खबर आ चुकी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों व 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को आखिरकार मिली बड़ी कामयाबी। याद रहे जून 2020 से दिसंबर 2021 तक कोरोना काल में लाखों कर्मचारियों का डीए सरकार द्वारा रोक दिया गया था। डीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में दिया जाता है। साथ में फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारी संगठन लंबे समय से जोर देते आ रहे थे क्योंकि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक वेतन निर्धारित करता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों में भी अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। अभी अभी डीए एरियर व फिटमेंट फैक्टर को लेकर जबरदस्त अपडेट आ चुकी है, जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉई लेटेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगों से संबंधित अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 18 महीनों से लटके हुए डीए एरियर के इंतजार कर रहे कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। डीए एरियर को लेकर सरकार ने पहले ही कहा था कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर मिल सकता है। आपको बता दें कि इसके तहत कर्मचारियों को 2,18,000 रुपये तक का फायदा होने वाला है। दरअसल 18 महीने का डीए एरियर अभी फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इस पर फैसला आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, उनका सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 मार्च से पहले सरकारी कर्मचारी की फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो उनके बेसिक सैलरी में करीब 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।